हेलो एवरीवन, आज हम मैथ चैप्टर 3 जिसका टाइटल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो समझेंगे। क्लास 9 का ये आपका मैथ है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक नया टर्म आपने सुना होगा, ये बेसिकली मैथ की एक अलग ब्रांच है और मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है। तो इसको थोड़ा हम समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको कोई गिफ्ट भेजना चाहता है, तो वो आपसे पूछता है भैया अपना एड्रेस बताओ, तो आप उसको क्या बताओगे? मान लीजिए आपका घर का नंबर है, हाउस नंबर मान लीजिए 56, गली नंबर, गली या स्ट्रीट नंबर जो भी कह लें, मान लीजिए 7, करमपुरा, दिल्ली। तो ये एड्रेस पे जब वो आपका गिफ्ट भेजता है, आपको मिल जाता है, तो डिलीवरी बॉय को कैसे पता लगता है कि ये घर कहाँ पर है? सबसे पहले वो दिल्ली, आपका गिफ्ट है कानपुर से दिल्ली आएगा, दिल्ली में फिर जो डिलीवरी बॉय करमपुरा जाता है वो करमपुरा उसको ले जाएगा, करमपुरा में वो गली नंबर 7 ढूंढेगा, गली नंबर 7 में वो हाउस नंबर 56 ढूंढेगा। तो ऐसे वो नैरो करता जाएगा, दिल्ली, दिल्ली से एक पर्टिकुलर कॉलोनी, उस कॉलोनी में एक गली, उस गली में एक घर। तो हमें चार चीज़ें पता लगेंगी तो हम उस जगह पहुंच जाएंगे। तो ये हम एक चीज़ को लोकेट करना है तो कैसे लोकेट करेंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे आएगा बाद में। तो घर को ऐसे लोकेट किया, ठीक है। अच्छा, आपको ध्यान होगा क्लास 8 में आपने पढ़ा था दो टर्म, भूले तो नहीं आप, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, याद है कि भूल गए? ग्लोब देखा था, ग्लोब्स के ऊपर लाइंस हैं, एक इक्वेटर है, इक्वेटर के पैरेलल लाइंस हैं जिन्हें लैटिट्यूड कहते हैं, फिर पोल्स को ज्वाइन करती हैं लाइंस हैं, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये लैटिट्यूड्स हैं जो इक्वेटर के पैरेलल चल रही हैं, फिर पोल्स को ज्वाइन करती लाइन है। तो हर जगह का एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है। आप गूगल पे जाइए, आपको अपनी जगह का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा। इन दो रीडिंग से आप कोई भी प्लेस अर्थ पे ढूंढ सकते हैं। दो रीडिंग चाहिए। फिर आपने नंबर लाइन पढ़ा था, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 चलता जाएगा। तो कोई भी इंटीजर या रेशनल नंबर आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने करना है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा कहीं, -3 करना है यहाँ आ जाएगा। कोई भी रेशनल नंबर प्लॉट कर सकते हैं, मान लीजिए -1/2, तो यहाँ पे आएगा। -3/2 यहाँ पे आएगा, क्योंकि नंबर लाइन का हर पॉइंट किसी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और हर नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा और आगे चलते हैं। मान लीजिए एक ये वाइट शीट है, जैसे ये वाइट शीट है, मान लीजिए ये एक वाइट शीट है, इस वाइट शीट पे मैंने एक ये डॉट लगा दिया। तो अभी आप बताइए डॉट को हम कैसे लोकेट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे हमने किसी प्लेस के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से किया, किसी के घर का एड्रेस हमने आइडेंटिफाई किया, नंबर लाइन पे हमने कोई पॉइंट आइडेंटिफाई किया, इस प्लेन शीट पे इस पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए ये है,
हम ये नापते हैं, ये है इसका राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है, ये टॉप साइड है, ये बॉटम साइड है। तो मान लीजिए हम नापते हैं ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ नापते हैं 6 सेंटीमीटर है, तो हम क्या कह सकते हैं, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट साइड, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट साइड। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पे लिया, ये मान लीजिए है 10 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर। हम एक तरीका ये था, हम कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम साइड, यहां से 10 सेंटीमीटर है, एंड 8 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो अगर आपको ये दोनों डिस्टेंसेस मालूम है, एग्जैक्टली पॉइंट आप बता सकते हो ये पॉइंट कहां पर है। तो हमें कितनी रीडिंग जरूरत पड़ी, 2 रीडिंग जरूरत पड़ी। नंबर लाइन पे एक पॉइंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस नंबर लाइन पर, लेकिन अगर शीट पर एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है तो हमें 2 रीडिंग की जरूरत पड़ती है, चाहे हम लेफ्ट और बॉटम से ले लें, बॉटम और राइट से ले लें, राइट और टॉप से ले लें, कम से कम 2 रीडिंग होगी। जैसे धरती के ग्लोब पर किसी भी प्लेस को आइडेंटिफाई करना है तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड 2 रीडिंग चाहिए थी, तो यहाँ भी 2 रीडिंग चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को एक मैथमेटिशियन रेने डिकार्टे, उसका नाम था रेने डिकार्टे, इसके स्पेलिंग क्या है, जर्मन स्पेलिंग वर्ड्स है ना, DESCARTES, प्रोनाउंस करते हैं डिकार्टे। रेने डिकार्टे ने इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया और एक मैथमेटिक्स की नई ब्रांच बनाई जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसने क्या किया कि 2 नंबर लाइन यूज की, एक नंबर लाइन तो ये है, ये 0, 1, 2, 3 चलता जा रहा है, -1, -2, -3 ये भी चलता जा रहा है। एक और नंबर लाइन ली, कैसे ली, ये हॉरिजेंटल है, वर्टिकल, और दोनों का 0 कॉमन है, यहां से 1, 2, 3 चलता जा रहा है, -1, -2, -3 2 नंबर लाइंस ली उसने, दोनों नंबर लाइंस का 0 जो है कॉमन है, ये है 0, इस लाइन का भी उस लाइन का भी, और दोनों 90 डिग्री पे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं किया, ये मान लीजिए 60 है और ये 120 है, ऐसा नहीं किया। ठीक है, दोनों लाइंस जो हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ओके, इस कॉन्सेप्ट को यूज किया उसने अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को स्पॉट करने के लिए, लोकेट करने के लिए। तो हम समझ लेते हैं कि इन लाइंस को कहते क्या हैं। ये 2 लाइंस हैं, स्ट्रेट नहीं बनी, बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे। ये जनरली ग्राफ पेपर देखेंगे ना, ग्राफ पेपर पे ये बनाएंगे बहुत इजी होता है। तो इसका नाम रखा उसने x-x, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इस लाइन का नाम डाल दिया, इस नंबर लाइन का जो हॉरिजॉन्टल है, जो क्रॉस कर रहे हैं, जिसको 0 कहते हैं, उसको कर दिया ओरिजिन, लिखते हैं ओ, ओ का मतलब ओरिजिन, ओ का मतलब 0। ठीक है, तो जैसे नंबर लाइन में यहां पे सब पॉजिटिव होंगे, 1, 2, 3, 4 ये इक्वल डिस्टेंस है, बराबर डिस्टेंस है, ग्राफ पेपर पे देखेंगे आपके बराबर डिस्टेंस पे बने होते हैं नंबर, 5, 6 ये चलता जा रहा है, इधर सब नेगेटिव आ गए। ये चलता जा रहा है,
तो इसको कहेंगे एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको कहेंगे वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। इसका ऊपर होंगे पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, यह चलता जाएगा नॉन स्टॉप, इसका अनएंडिंग है, 100 तक भी जा सकता है, 1000 तक भी जा सकता है, नीचे माइनस। चलता जा रहा है। तो दो नंबर लाइंस हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको x डैश x भी कहते हैं या x एक्सिस भी कहते हैं, जनरली हम यही टर्म यूज करते हैं। और जो वर्टिकल है उसको y डैश y या y एक्सिस कहते हैं। इसके टॉप में नंबर होंगे पॉजिटिव, इसके राइट में नंबर होंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो आपने दो चीजें समझ ली, एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है, और इनके पॉजिटिव नंबर कहां पर होंगे। अब ये चार भाग हो गए हमारे, इसके इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस भाग को फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, ये पूरा वर्ड यही है, इसको कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये एक नियम है इसका, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का। आप चेंज नहीं कर सकते, आप इसको सेकंड नहीं कह सकते, इसको फर्स्ट नहीं कह सकते, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो जब भी आप क्वाड्रेंट ज्योमेट्री करेंगे तो ये कुछ बेसिक इसके नियम हैं जो आपको फॉलो करने हैं। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा, वाई एक्सिस वर्टिकल होगा, इधर पॉजिटिव नंबर, इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। चार भाग बने, फर्स्ट भाग हमेशा ये वाला होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी ऐसे चलती है, हम ऐसे चल रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं इस पे। मान लीजिए हमने ये पॉइंट लिया, अभी हमें पता करना है कि ये पॉइंट कहां पर है। बेसिकली हमने सारा ये किया है लोकेट करने के लिए इस पॉइंट को। तो कैसे लोकेट करते हैं, इस पॉइंट पी को हम क्या करेंगे, यहां से बनाएंगे परपेंडिकुलर, मतलब इसके पैरेलल लाइन, ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का होगा, और दूसरा पैरेलल लाइन बनाएंगे ऐसे इसके पैरेलल। ये क्यों बनाया, हमने डिस्टेंस देखना है इसका। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, इसका जो डिस्टेंस वाई एक्सिस से है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इसको क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। ये इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, क्वाड्रेंट में हटा देता हूं, अब आपको समझ आ गया ना, हर भाग को क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये पहला क्वाड्रेंट है, सेकंड थर्ड फोर्थ, बिल्कुल उसको दिमाग में प्रिंट कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लिया, हमने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई पी से वाई एक्सिस पर, तो जो लाइन बनाई हमने पी से वाई एक्सिस पर उसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। तो किसे नापेंगे, ये डिस्टेंस बराबर है, रेक्टेंगल है ना, ये भी 90 है, ये भी 90 है, 90 है, तो ये इसके बराबर है, तो ये हो गया 4, तो इसका पॉइंट लिखेंगे 4। ये पहला नंबर हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये भी नियम है। तो इसका डिस्टेंस है यहाँ से 4, कैसे निकाला, हमने ये परपेंडिकुलर लाइन बनाई, इस लाइन का डिस्टेंस इसके बराबर है, ये 4 पॉइंट है, तो ये भी 4 होगा। तो जो परपेंडिकुलर हमने वाई एक्सिस पर बनाया उसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, वाई पर परपेंडिकुलर है एक्स कोऑर्डिनेट, और जो एक्स पर परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट उसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट।
x-axis, distance from y-axis, distance from x-axis. x-axis से जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, कैसे हमने पता लगाया? हमने x-axis के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया, उसको कहेंगे y-कोऑर्डिनेट। तो ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, x के ऊपर परपेंडिकुलर बना तो बना y कोऑर्डिनेट, y के ऊपर परपेंडिकुलर बना तो x कोऑर्डिनेट। ऐसे आपको याद रखना है, y एक्सिस x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस y कोऑर्डिनेट, सॉरी y एक्सिस x, y एक्सिस x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस इसके बराबर है 3। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स है, पहला हमेशा एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। इट इज ऑलवेज रिटन दिस वे, पहले ये वाला डिस्टेंस आएगा, बाद में ये वाला डिस्टेंस आएगा। और इसको, इसके लिए एक और वर्ड भी है, उसको कहते हैं एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा। ये जो पहला नंबर है इसको एब्सिसा कहते हैं, और जो सेकंड नंबर है उसको कहते हैं ऑर्डिनेट, उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। यहां मैं बता देता हूं, ये है ऑर्डिनेट, ये है एब्सिसा। जो एक्स वाला पॉइंट है, जो परपेंडिकुलर हमने वाई एक्सिस पे बनाया था, उसको एब्सिसा कहते हैं। और जो वाई वाला डिस्टेंस है, जो हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाया था, उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। और हर पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पहला कोऑर्डिनेट होगा एक्स और दूसरा होगा वाई। तो अभी हम इसको ऐसा करते हैं, इसको यहीं विराम कर देते हैं, ज़्यादा हैवी ना हो जाए आपके ऊपर। तो थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्विकली। पहली चीज क्या है कि दो नंबर लाइंस हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको कहते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन नंबर लाइन है उसको कहते हैं वाई एक्सिस। पहली चीज। उसके बाद में अगर पॉइंट का हमने लोकेशन ढूंढना है, तो हम दो परपेंडिकुलर बनाएंगे, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे वाई एक्सिस पे, जो वाई एक्सिस पे बनेगा वो होगा एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको हम एब्सिसा भी कहते हैं। जो परपेंडिकुलर हमने एक्स एक्सिस पे बनाया, उसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, शॉर्ट में ऑर्डिनेट। तो आपको भाई कई बार क्वेश्चन में एब्सिसा और ऑर्डिनेट लिखा जाएगा, और कई बार एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। और ये डिस्टेंस कौन सा होता है? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन जाती है, एक्स वाला ये है और वाई वाला ये है। और हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखेंगे, और हर पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, x कोऑर्डिनेट एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट। x कैसे निकलेगा? y पर हम डालेंगे परपेंडिकुलर, y कैसे निकलेगा? इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे x एक्सिस पे, रेक्टेंगल बन जाएगी। इसकी लंबाई इसके बराबर है, इसकी लंबाई इसके बराबर है, वहां से हमें पॉइंट मिल जाएंगे 4, 3। ये कोई सेंटीमीटर नहीं है, ये सिर्फ लोकेशन है इस ग्राफ पे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इसका जो और कॉन्सेप्ट्स हैं कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में कैसे पॉइंट हम प्लॉट करते हैं,
और अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है उसके पॉइंट्स क्या होंगे, कोई जीरो पर ओ पर है उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये सब चीज़ें हम अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।